नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोरोना महामारी के दौर में सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया था। लॉकडाउन की स्थिति में स्कूलों में बच्चों के आने जाने पर रोक लगाने से निजी स्कूल संचालकों पर आर्थिक संकट का बोझ पड़ रहा है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए निजी स्कूल संचालकों ने प्राइवेट स्कूल प्रमोट एसोसिएशन PSPA का गठन किया है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरद्वारी लाल ने हलचल इंडिया न्यूज चैनल के पलवल संवाददाता से विशेष बातचीत की। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि संस्था द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कोरोना काल में निजी विद्यालयों पर आए वित्तीय संकट को मद्देनजर रखते हुए निजी विद्यालयों की बसों का पासिंग टेस्ट तथा अन्य शुल्क समाप्त करने के लिए अनुरोध पत्र लिखा है। संस्था के अध्यक्ष हरद्वारी लाल सोरोत ने पत्र की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल में निजी विद्यालय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बसें खड़ी हुई हैं, फिर भी उनके ऊपर वार्षिक टैक्स तथा अन्य शुल्क सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। निजी विद्यालयों की बसों को व्यावसायिक वाहन के रूप में सरकार देख रही है, जबकि इन बसों का कार्य बहुत ही कम मासिक शुल्क पर केवल बच्चों को ले जाना होता है। कमर्शियल वाहन तथा इन बसों के कार्य क्षेत्र में बहुत अंतर है, इसलिए संस्था द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर निजी विद्यालयों की बसों पर लगने वाले केंद्र तथा राज्य सरकार के टैक्स तथा शुल्क को माफ करने का अनुरोध किया गया है, जिससे निजी विद्यालय भलीभांति अपने विद्यालय को चला सके। संस्था के उप प्रधान कुसुम चौधरी, बिशन सिंह चौहान, आकाश सिंह रावत, हरवीर सिंह रावत, महासचिव उदय सिंह सोरोत, कल्याण सिंह कोषाध्यक्ष द्वारा निजी विद्यालयों की बसों में होने वाले विभिन्न अंतरों को दर्शाते हुए आग्रह पत्र भेजा है। समस्या है वर्किंग कैपिटल जो चाहिए इस विद्यालय को चलाने के लिए, उसके लिए हमने लिखा है कि जिस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन दिया जा रहा है GCL के स्कीम के द्वारा, उस तरह का लोन स्कूलों को दिया जाए जिससे कि स्कूल स्मूथली चल सके। रूरल एरिया में एक बच्चे से मैक्सिमम 400 से किराया स्टार्ट होता है एक बच्चे का, 400 से लेकर मैक्सिमम 700 रुपये तक हम ले सकते हैं। 50 सीटर अगर बस है तो उससे 35,000 रुपये की टोटल कलेक्शन होती है। उस 35,000 रुपये में हमें डीजल भी। अपने स्कूल के अभिभावकों से क्या कुछ आपकी कोई मांग है, कोई डिमांड है? स्कूल के अभिभावकों से तो यही है कि अपने बच्चों का कोरोना काल में पूरा पूरा ध्यान रखें। गारंटी भी गवर्नमेंट की होती है, बिजनेसमैन को कोई भी उसके अंडर सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। ज़्यादा नहीं आ पा रही है क्योंकि स्कूल बहुत कम से टाइम्स के लिए खुले हैं, तो हमने उनसे मांग की है कि जिस प्रकार से स्मॉल बिजनेसमैन को, मीडियम बिजनेसमैन को GCL एक स्कीम है उसके, जो आपने वित्त मंत्री सीतारमण जी को पत्र लिखा है, किस समस्याओं को लेकर? उसमें वित्त मंत्री सीतारमण जी को हमने दो पत्र भेजे हैं। पहला पत्र हमने 21/12/2020 को भेजा है, परमिट के चार्जेज भी हैं, तो उस मंथली जो 35,000 रुपये मैक्सिमम कलेक्शन हुआ उसमें से हम कैसे इतने सारे खर्चों को कर सकते हैं। कम से कम जो 28% टोटल CGST और HGST लग रहा है उसको स्कूल बसों से समाप्त किया जाए। धन्यवाद। PSPA हरियाणा। इस संगठन का उद्देश्य क्या है? इस संगठन का उद्देश्य केवल स्कूलों को प्रमोट करना है, स्कूलों की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको निपटा करके स्कूलों को आगे बढ़ा। तनख्वाह देनी है, कंडक्टर को भी देनी है। गवर्नमेंट डिमांड करती है कि लेडीज कंडक्टर भी होने चाहिए। जितनी आवश्यकता है उसी स्कीम के तहत विद्यालयों को उस 5 साल के लिए लोन दिया जाए, जिसका मॉनिटरिंग पीरियड 1 साल हो, 4 साल के बाद उसकी इंस्टॉलमेंट शुरू हो। है कि विद्यालय बंद होने के कारण, COVID-19 के कारण विद्यालय बंद होने के कारण जो विद्यालयों में 10-20% तक फीस आई है, तो 10-20% फीस आने के कारण 28% जो टैक्स है स्कूल बसों से इसको हटाया गया, क्योंकि इस एक बस नई बस खरीदने पर हमको कम से कम 6 लाख रुपया तो GST का देना पड़ता है। आपका स्वागत है। जो अभी आपने एक संगठन का गठन किया है, किस नाम से है वो?
प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई है,